हरिओम माय डियर फ्रेंड्स, ध्यान संकल्प के 26वें दिन मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज का हमारा टॉपिक है अफर्मेशंस, जिसका मतलब है कोई भी सकारात्मक विचार जो हमारी संकल्प शक्ति को मजबूत करने की शक्ति रखता हो। संकल्प शक्ति हमारे मनोबल पर आधारित है। जिसका मनोबल मजबूत है, जिसमें आत्मबल है, वो जल्दी घबराते नहीं। और जीवन में इंसान ने जो भी विचार अपनाए हैं या बना लिए हैं, वो उन्हीं के अनुसार चलता है। विचारों के ताने बाने से ही हमारा व्यक्तित्व बनता है। हम सब बहुत सौभाग्यशाली हैं जो हमें ये मानव शरीर मिला, और इस शरीर से भी अधिक सुंदर व शक्तिशाली मन मिला हमें। यह परमात्मा की बहुत बड़ी, बहुत सुंदर उपहार है हम सबके लिए, जो अनंत शक्तियों से भरा हुआ है। ये परमात्मा का वरदान है जिसमें सब शक्तियाँ निहित हैं। विचार शक्ति ही वो शक्ति है जिसके द्वारा मनुष्य अपने जीवन में नए प्रकाश का, नई रोशनी का उदय कर सकता है। विचार शक्ति कोई साधारण चीज़ नहीं दोस्तों, ये महामंत्र है। संसार मानो कल्प वृक्ष है, और इसकी छाया में बैठकर हम जो भी विचार करेंगे वैसे ही हमें परिणाम मिलेंगे। पर मानव जीवन की सबसे बड़ी दुविधा ये है कि यह शक्तिशाली मन बड़ा चंचल भी है। कभी इस पार, कभी उस पार, कभी इसमें अच्छे विचार आते हैं, कभी बुरे विचार आने लगते हैं, कभी ये संकल्प करता है बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे, और कभी विकल्पों के द्वारा निराशा में घिर जाता है। कभी बहुत सुंदर विचार हैं, कभी बड़े आशाहीन निराश करने वाले विचार हैं। जैसे इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल महाभारत के अर्जुन है, जो मोह के वश में आकर युद्ध के मैदान में अपने अस्त्र शस्त्र रखकर निराश होकर बैठ गए और बोलने लगे कि मैं युद्ध नहीं कर सकता, ये संभव नहीं, मैं अपने वालों को जो मेरे सामने खड़े हैं युद्ध करने के लिए, वो मेरे ही परिवार के व्यक्ति हैं, कैसे मैं उनकी मृत्यु का कारण बनूं। और तब श्री कृष्ण, जो उसके सारथी थे, उसे सही राह पर ले जाने वाले थे, उन्होंने उसे कहा, उसे प्रेरणा दी कि हे अर्जुन, तुम्हें ये शोभा नहीं देता। और तब गीता का वो पहला सूत्र जिसमें पूरी गीता का सार समझाया गया है, वह उसका अर्थ जो है वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जिसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि हे अर्जुन, तू नपुंसकता को प्राप्त हो रहा है, ये तुझे उचित नहीं जान पड़ता। हे परम तपस्वी, तू हृदय की तुच्छ दुर्बलता को त्याग कर उठ और अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़। और दोस्तों, ये आज से हजारों वर्ष पूर्व कुरुक्षेत्र के मैदान में श्री कृष्ण का अर्जुन को दिया हुआ ज्ञान सिर्फ तब के लिए नहीं था। मैं समझती हूँ ये आज के टाइम भी, आज के युग में भी हर व्यक्ति के जीवन में आज भी उतना ही एक्सेप्टेबल है, उतना माननीय है आज भी, क्योंकि आज भी मनुष्य अपने ही किसी न किसी नकारात्मक विचार की वजह से दुर्बल महसूस करता है, स्वयं को तुच्छ मान बैठता है, कमज़ोर हो जाता है। और तब श्री कृष्ण का संदेश अर्जुन को उसके कर्तव्य मार्ग पर आगे बढ़ाता है और विजय दिलवाता है। ठीक इसी तरह दोस्तों, यदि हम अपने जीवन में इस गीता के संदेश को उतार लें और समझ जाएं कि जब भी कभी कोई कमज़ोर या कोई विचार हमारे को परेशान कर रहा हो, तो हमारा ही एक शक्तिशाली संकल्प, एक शुभ विचार हमारे जीवन की विपरीत स्थिति को बदल सकता है। तो आज अभी इसी पल मैं ये विचार करूं कि मेरे भीतर वो कौन से विचार हैं जो मुझे बना रहे हैं, वो कौन सी चीज़ें हैं जो मेरे जीवन की अभी ये जो अवस्था परिस्थिति है, अब वो सुखद है या दुखद है, ये आप देख सकते हैं। कोई दुख है, कोई परेशानी है, कोई बीमारी है, या किसी तरह का अवसाद है, डिप्रेशन है माइंड में, मन में, कोई दुख है, तकलीफ़ है, अगर कोई भी इस तरह की सिचुएशन आपको लगता है आप फेस कर रहे हैं, तो अपने मन को समझा दीजिए, बता दीजिए। आलसी बनकर बैठकर आंसू बहाने से दुख कम नहीं होगा, नहीं कटेगा।
बिना परिश्रम किए, बिना मेहनत किए, बिना ध्यान किए, बिना इस समस्या से जूझे, अपनी विचार शक्ति को प्रबल किए बिना आप इस समस्या से बाहर नहीं निकल पाएंगे। तो आवश्यकता है एक अच्छी प्रेरणा देने की, एक अच्छे उत्साह और धैर्य भरे जीवन को जीने की, और उसके लिए आवश्यकता है एक सकारात्मक सोच की, एक उच्च विचार की जो आपके जीवन को बदल सकता है। स्वामी विवेकानंद जी ने भी कहा कि आप एक अच्छा विचार निश्चित कर लो और उसी के अनुसार चलो, उसी के अकॉर्डिंगली अपने जीवन को बनाओ। उस विचार को इतना विचारो कि तुम्हारे मस्तिष्क में वो लगातार घूमता रहे, वो तुम्हारी रग रग में बस जाए, वह विचार तुम्हारी शक्ति बन जाए, उसके अनुरूप ऊर्जा को एकत्रित करके चलो, वह विचार महान लक्ष्य बन जाएगा और जहाँ तुम्हें पहुँचना चाहिए वहाँ पहुँचोगे ज़रूर। विचार के माध्यम से उद्देश्य विहीन जीवन जीने वाला व्यक्ति भी जान जाता है कि जीवन की मंजिल क्या है, लक्ष्य क्या है। विचार मंत्र हैं, विचार शक्ति हैं। किसी एक विचार को ध्यान में रखकर उसी के अनुसार जीवन जीने की कोशिश हमें करनी चाहिए, और वही है पॉजिटिव अफर्मेशंस। पर दोस्तों, करते हम इसका उल्टा ही हैं। हमने अपने मन के अंदर ऐसे विचार, ऐसी धारणाएं बना रखी हैं जिन्होंने मजबूत जड़ें बना रखी हैं हमारे अंदर। जैसे अगर शारीरिक रूप में, शारीरिक स्वास्थ्य की यदि मैं बात करूं, तो आप अब ध्यान देना आप इनमें कौन सी बातें हैं जो आप जिस तरह की करते हैं। मैं कुछ सेंटेंसेस बोल रही हूं, जैसे मुझे तो सर्दी, मौसम बदलता है मुझे सर्दी लग ही जाती है, मुझे लगती ही है, और मुझे ये बार बार एलर्जी होती ही है, मेरे हार्ट में, हमारे परिवार में हार्ट की डिजीज़ है ही, वो हो ही रही है, और मेरे कमर लगातार मुझे दर्द होता ही है, इसमें मेरे पैरों में तो सूजन रहती ही रहती है, ये ठीक नहीं होगी कभी भी। या फिर मैं हर वक्त पता नहीं क्यों इतनी चिंतित रहती हूँ, हर वक्त पता नहीं मुझे इतनी परेशानी क्यों है, या फिर मुझे उड़ने से बहुत डर लगता है, या मुझे लिफ्ट में बैठने से डर लगता है, मुझे पानी से डर लगता है, मैं तैर नहीं सकती, पता नहीं क्यों कोई मुझे प्यार ही नहीं करता, पता नहीं क्यों हर बार मैं कितनी भी कोशिश करूं मैं फेल ही हो जाती हूं, क्या करूं, मैं छोटी छोटी बात पर गुस्सा हो जाती हूं, क्या करूं, मैं सबके लिए सब कुछ करती हूं। सो फ्रेंड्स, ऐसे न जाने कितने डर हम लेकर अपने अंदर बैठे हैं, चाहे वो पैसे से रिलेटेड हों, संबंधों से रिलेटेड, हमारे स्वास्थ्य से, पढ़ाई से, करियर से, किसी से भी, किसी भी क्षेत्र में हम जान भी नहीं पाते कब हमारी धारणाएं, हमारे विचार हमारे लिए हमारी रियलिटी क्रिएट कर देते हैं। अब उससे बाहर निकलने के लिए हमें उन पर एक मजबूत, एक पॉजिटिव अफर्मेशन रखने की ज़रूरत है, या एक ऐसा संकल्प उसके साथ में करने की ज़रूरत है जो हमारी इन विचारों के बदले हमें सही डिज़ायर्ड रिज़ल्ट दे, जैसा हम चाहते हैं, जो रिज़ल्ट हम चाहते हैं अपने लिए, वो हमको फ़ायदा हो, वो हमें मिल पाए। तो आइए चलते हैं अफर्मेशंस की दुनिया में, जहाँ अपने ही किसी नकारात्मक विचार के ऊपर हम एक सकारात्मक विचार रखकर अपनी उन वर्षों पुरानी सोच पर, अपनी धारणाओं को बदलेंगे। इसके साथ एक टास्क भी दिया है हमने, जिसमें 20 अफर्मेशंस हैं, उसमें आप अपनी सोच कर आपको लगता है आपके लिए क्या सबसे ज़्यादा उपयुक्त रहेगा, उनको कोई भी 5 को चूज़ कर लीजिए, उन्हें मिरर के आगे खड़े होकर कम से कम 10 बार ज़ोर से बोलकर रिपीट कीजिए, एंड आई एम श्योर आप में ज़रूर वो बदलाव आएगा और आप वो ज़रूर पा लेंगे जो आप जीवन में पाना चाहते हैं, हासिल करना चाहते हैं। एकांत के क्षणों में बैठकर स्वयं से बात करें और ये जानने का प्रयास करें वो कौन से नकारात्मक विचार हैं जिनकी वजह से आपका हर काम रुक जाता है, होने से पहले ही वो बिगड़ जाता है। यदि ऐसा कुछ आपके साथ हो रहा हो, तो सबसे पहले
अपने मन को टटोल लीजिए और जो नकारात्मक विचार, चाहे वो गुस्से का हो या जिस भी तरीके का आपको लगता हो आपको परेशान करता है, उसे नोट कर लीजिए और उसके साथ उसके ऊपर मैंने जो 20 आपको अफर्मेशंस दी हैं, अगर वो आपके लिए काम कर रहा है तो ठीक है, अदरवाइज़ आपको लगे कि नहीं ये मेरी प्रॉब्लम से मैच नहीं कर रहा, तो आप स्वयं अपना ही कोई पॉजिटिव अफर्मेशन भी क्रिएट कर सकते हैं। यदि जीवन में, जीवन के प्रति आप उदासीन हैं, कोई बात, कोई चीज़ ऐसी है आपकी लाइफ में जो आपको पसंद नहीं है, तो अपने आप को समझा लीजिए, मैं कितना खुशनसीब हूँ कि मुझे ये मनुष्य का जन्म मिला है, ये सुंदर मौका मिला है कुछ सीखने के लिए और अपने आप को और अच्छा बनाने के लिए, एंड मैं खुशी खुशी इसको स्वीकार करता हूँ, जीवन के इस चैलेंज को, और इसको बदलने की भी मेरे में क्षमता है और पूरी सृष्टि, पूरी कायनात व परमपिता परमात्मा मेरे साथ हैं अगर मैं दृढ़ संकल्प लेकर आगे बढ़ सकता हूँ तो। यदि रिश्तों के प्रति आपके जीवन में कहीं कोई असुविधा है, कोई मनमुटाव है, चाहे वो रिश्ता पति पत्नी के बीच हो, बच्चों के साथ, भाई बहनों के साथ, माता पिता के साथ, सास ससुर के साथ या फिर स्वयं के साथ, कभी कभी हम अपने साथ भी, स्वयं के साथ भी नाराज़ हो जाते हैं और अपना ही नुकसान पहुंचा लेते हैं दोस्तों। देखिए क्या यदि आपको सामने वाले में कोई इस तरह का क्या दिख रहा है, किस कारण से, वो कौन सी चीज़ है जिसकी वजह से मुझे इस संबंध में हमारा अच्छा संबंध नहीं है, मधुर संबंध नहीं है, जानने की कोशिश कीजिए और उसको भी नोट कर लीजिए और देखिए फिर वो आप कैसे बदल पाते हैं। अगर आपको सामने अपने पति में या पत्नी में कोई ऐसा विचार या ऐसा उनकी आदत या कोई चीज़ आपको पसंद नहीं है, तो मान लीजिए दोस्तों वो भी सिचुएशन आपको कुछ ना कुछ सिखाने के लिए आई है, आपको स्वयं को बदलने के लिए आई है। हम किसी को बदलने के लिए क्यों प्रयास करें, हमें तो अपने ऊपर ही काम करना है, सबसे ज़रूरी वही है हमारे लिए, हम अपने आप को बदल पाएँ, अपने आप को शांत कर पाएँ, सुखी कर पाएँ, हर किसी को माफ़ कर दें और स्वयं को भी माफ़ कर दें। और यदि कोई हेल्थ रिलेटेड इशू है तो भी अपने शरीर से बात कीजिए और समझा दीजिए कि मेरे शरीर का हर कण, हर कोशिका स्वस्थ है और शरीर के सभी अंग बहुत सुचारू रूप से कार्य कर रहे हैं, मैं स्वस्थ हूँ, सुरक्षित हूँ और मुझ में रोग प्रतिशोधक शक्तियाँ हैं जो मेरा को सही कर सकती हैं, मुझे जीवन की प्रक्रिया पर पूर्ण विश्वास है, मेरे शरीर की प्रत्येक कोशिका स्वस्थ और ऊर्जा से परिपूर्ण है, मेरा इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग है, मैं स्वयं को बीमारियों से बचाने की क्षमता रखता हूँ, मैं वर्तमान के आनंद में सुरक्षित हूँ, यदि कोई भी पैसे से संबंधित मामला हो तो वह भी हील कर सकते हैं, उसे भी किसी न किसी सकारात्मक विचार के साथ हम बैलेंस संतुलित कर सकते हैं। आप कह सकते हैं मैं ऐसा जीवन जीना चाहती हूँ जो खुशहाल हो, प्रचुर हो, मैं सहज हूँ, मेरा जीवन ऊर्जा और उत्साह से हरा भरा है और सफलता के लिए आप ऐसा कह सकती हैं कि मैं अपने अंदर के उन सभी विचारों को छोड़ना चाहती हूँ जिनकी वजह से ये परिस्थिति मेरे जीवन में आई है, मैं सकारात्मक परिवर्तन की प्रक्रिया में हूँ, मैं बहुत प्रसन्न हूँ, मुझे अपना काम बहुत पसंद है, मैं इसे बहुत खुशी से स्वीकार करती हूँ और मैं सर्वोत्तम पाने के लायक हूँ, जो जीवन में बेस्ट है वो मुझे मिलेगा।
कड़वे संबंधों में सुधार के लिए भी अपने अंदर अपने आप को ये महसूस करवाइए कि मैं स्वयं से प्यार करती हूँ और दूसरों को जो जैसा है उसे वैसा स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ। सबसे पहले स्वयं के साथ एक शांतिपूर्ण प्रेममय संबंध विकसित कीजिए, दूसरों के साथ भी तब आपके संबंध सुधरने लगेंगे। सहजता और खुशी के साथ सबको माफ़ कर दीजिए, स्वयं को भी। क्षमा करने से आप हल्के हो जाएंगे। स्वयं को स्वीकार करता हूँ प्यार के साथ और दूसरों को भी स्वीकार करता हूँ जो जैसे हैं। अपने मन से नाराज़गी के सभी काले बादलों को हटा दीजिए और अंदर प्रेम को, प्यार को जागृत कीजिए, क्षमा कर दीजिए उन लोगों को भी जिन्हें क्षमा करना सबसे कठिन है। आप उनके साथ वास्तव में क्या करना चाहते हैं? उन्हें क्षमा करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? कल्पना कीजिए, किसी भी पुरानी गंदगी को सफा करने में समय लगता है। बार बार अभ्यास कीजिए इस बात का। दोहराइए मन ही मन जिसको भी आप क्षमा करना चाहते हो उसका नाम लेके, मैं तुम्हें क्षमा करती हूँ। इसे बार बार करें, बार बार कहें और हल्के हो जाएं, फ्री हो जाएं। किसी को भी दोष देना बेकार है। दोषारोपण से केवल अपनी ही ऊर्जा नष्ट होती है। अपनी ऊर्जा बचा कर रखिए और दूसरों को बदलने का एकमात्र रास्ता है स्वयं को बदलना, बस और कुछ भी नहीं। अपने दृष्टिकोण को बदल लीजिए। मैं हर किसी के साथ सद्भावना और संतुलन में रहती हूँ जिन्हें भी मैं जानती हूँ। मैं अधिक से अधिक प्रेम को अपनाती हूँ। अपनी दोनों आँखों को बंद करके ध्यान की मुद्रा में बैठ जाइए। अपनी सांसों के साथ एक होते हुए महसूस कीजिए, हर सांस के साथ आप दिव्य प्रेम का आवाहन कर रही हैं। मैं बदलना चाहती हूँ, अपनी पुरानी नकारात्मक धारणाओं को छोड़ना चाहती हूँ।
मैं एक असीमित प्राणी हूँ जो एक असीमित रूप में एक असीमित स्रोत से बहुत कुछ स्वीकार कर रही हूँ। दिव्य ज्ञान मुझे वे सभी विचार दे रहे हैं जो मैं इस्तेमाल कर सकती हूँ। मैं दिव्य सफलता के लिए एक मैग्नेट जैसे, चुंबक के जैसे उसे अपने जीवन में आकर्षित कर सकती हूँ, जीवन के बहुआयामों को प्राप्त कर सकती हूँ। जीवन में आने वाले नए सुअवसरों को प्राप्त कर रही हूँ जो मुझ तक आ रहे हैं। हर जगह मेरे लिए सुनहरे अवसर हैं। मैं नए सकारात्मक विचारों को चुनती हूँ अपने लिए जो मेरे जीवन को और बहुत उम्दा बनाएंगे, सफल बना सकते हैं। उन्हें मैं अपने जीवन में स्थान दूंगी। हर विचार जो हम सोचते हैं वह हमारे भविष्य का निर्माण कर रहा है। हम अपने विचारों को एक नई दिशा, सही मार्गदर्शन देकर अपने जीवन में जो चाहें वह आकर्षित कर सकते हैं। मेरी नई दुनिया मेरी नई सोच का प्रतिबिंब है। नए बीज बोना एक खुशी और हर्ष है। मैं जानती हूँ इन नए बीजों से मेरे जीवन में नए अनुभव बनेंगे जो मेरी दुनिया में सब कुछ अच्छा और सिर्फ अच्छा ही करेंगे। यह एक नया दिन है और मैं नए विचारों के साथ, नई पॉजिटिव अफर्मेशंस के साथ, एक नई सोच के साथ, अलग नए व्यक्तित्व की स्वामिनी हो गई हूँ।
मेरी दुनिया मेरी नई सोच के साथ निर्मित हो रही है। आप जान पाएंगे, समझ पाएंगे आपके सामने कितने नए रास्ते खुल रहे हैं, नई अपॉर्चुनिटीज़, नए अवसर आ रहे हैं, नई खुशियाँ, नए सुअवसर। अपने विचारों को बदलने से मुझे अच्छा महसूस हो रहा है। आज एक नया खुशनुमा अनुभव मैंने सीखा। आपको दिए गए 20 सेंटेंसेस में से 20 वाक्यों में जो आपके लिए उचित हो उसे आपको कई बार दोहराना है। मैं बदलना चाहता हूँ सहजता और खुशी के साथ, पुराने से नए की ओर बढ़ना चाहता हूँ। खुशी के साथ नए अनुभवों को जीना चाहता हूँ। पुराने सभी उन दुख भरे निराशावादी विचारों को त्याग कर मैं आज को एक खुशनुमा अनुभव बना रहा हूँ। मेरी दुनिया में, इस संपूर्ण सृष्टि में, मेरे जीवन में, मेरे परिवार में, सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है और उसके लिए मैं परमपिता परमात्मा को बारंबार धन्यवाद करता हूँ। मेरे सुंदर और खूबसूरत जीवन में सब कुछ संपूर्ण है, परिपूर्ण है। मैं असीम आनंद में जी रही हूँ। मैं प्रसन्न हूँ, संतुष्ट हूँ। मेरे जीवन का हर अनुभव मेरी सफलता है। मेरा हर विचार आशावादी है और मैं एक खुशनुमा जीवन जी रही हूँ जिसमें सिर्फ और सिर्फ खुशियाँ हैं, आनंद है, शांति है, परम सुख है। कोमलता के साथ अपने दोनों हाथों की हथेलियों को अपनी आंखों के ऊपर रख लीजिए फ्रेंड्स। 3, 2, 1। यह क्षण एक नई प्रक्रिया शुरू करता है, एक नई शुरुआत है। इसी क्षण से एक नया परिवर्तन मेरे जीवन में आ रहा है। इसी शांति, पूर्णता और प्रेम के लिए परमपिता परमात्मा का धन्यवाद करते हुए अब आप अपनी आंखें खोल सकते हैं। 3, 2, 1। आप सभी को धन्यवाद। आज का दिन मंगलमय हो। धन्यवाद, धन्यवाद और धन्यवाद।